हरिवंश पुराण पंच चत्वारिशा सर्ग 45वां पर्व। अथांता किसी दिन यादवों के भानेज महापराक्रमी राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, बलवान भीमसेन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव द्वारिकापुरी आए। इसी बीच में राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़ के गौतम गर्दन से पूछा, हे भगवान, पांडु और पांडव किसके वंश में उत्पन्न हुए? मैंने कहा कि पांडु और पांडव कुरुवंश से हुए हैं, जिसमें कि शांति, कुंथु और अर ये तीन तीर्थंकर हुए हैं। हे मगधेश्वर, अब मैं प्रारंभ से लेकर चतुर्वंश की सेवा करने वाले कुरुवंशी राजाओं के लिए कुछ कहता हूँ, सुनो। शोभा में कुरुदेव उत्तर कुरु की तुलना करने वाले कुरु जंगल देश के हस्तिनापुर नगर में जो आभूषण स्वरूप श्रेयान और स्वयंप्रभ नाम के दो राजा हुए थे, वे कुरुवंश के तिलक थे। भगवान वृषभ काल के समकालीन थे और दान तीर्थ के नायक थे। उनमें सोमप्रभ के जय कुमार नाम का पुत्र हुआ। वह जय कुमारी आगे चलकर भरत चक्रवर्ती के द्वारा मेघस्वर इस नाम से संबोधित किया गया। जय कुमार से कुरुपुत्र हुआ। कुरु के कुरुचंद, कुरुचंद के शुभंकर और शुभंकर के घृतिकर पुत्र हुआ। तदनंतर काल क्रम से अनेक करुण राजा और अनेक सागर प्रमाण तीर्थंकरों का अंतराल का ऋतुज हो जाने पर धृतिदेव, धृतिकर, गंगदेव, धृतिमित्र, धृतिक्षेम, सुव्रत, रात, मंदर और सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा हुए। तदनंतर धृत पद्म, धृतेंद्र, धृतवीर, प्रतिष्ठित आदि राजाओं के हो चुकने पर धृतिदृष्टि, धृतिद्युति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए। तत्पश्चात भ्रमर घोष, हरि घोष, हरिध्वज, सूर्य घोष, सुतेजस, प्रथु और इबवाहन आदि राजा हुए। तदनंतर विजय महाराज और जयराज हुए। इनके पश्चात उसी वंश में चतुर चक्रवर्ती सनत कुमार हुए, जो रूप पाश से खिंचकर आए हुए देवों के द्वारा संबुद्ध को दीक्षित हो गए थे। सनत कुमार के सुकुमार नाम का पुत्र हुआ। उसके बाद वरकुमार, विश्व, वैश्वानर, विश्वकेतु और ब्रह्मध्वज नामक राजा हुए। तदनंतर विश्वसेन राजा हुए, जिनकी स्त्री का नाम इरा था। इन्हीं के पंचम चक्रवर्ती और सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। इसके पश्चात नारायण, नरहरि, प्रशांति, शांतिवर्धन, शांतिचंद्र, शशांक और कुरु राजा हुए। तदंतर क्रम क्रम से बहुत राजाओं के व्यतीत हो जाने पर सुदर्शन नामक राजा हुए, जिनकी स्त्री का नाम मित्रा था। इन्हीं दोनों के सप्तम चक्रवर्ती 18वें तीर्थंकर अरनाथ हुए। उनके बाद सुचारु, चारु, चारुरूप और चारु पद्म राजा हुए। तदंतर अन्य राजाओं के हो चुकने पर इसी वंश में पद्ममाल, शुभम और पद्मरथ राजा हुए। उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए। उनके विष्णु और पद्म नाम के दो पुत्र हुए। तदंतर सुपद्म, पद्मदेव, कुलकीर्ति, कीर्ति, सुकीर्ति, कीर्ति, वसुकीर्ति, वासुकी, वासव, वसु, सुवसु, श्रीवसु, वसुंधर, वसुरथ, इंद्रवीर, चित्र, विचित्र, वीर, विचित्र, विचित्र वीर, चित्ररथ, महारथ, धृतरथ, वृषानंद, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रतधर्मा, धृत धारण, महासर, प्रतिसर, सर, पार्षर, शरद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुशांति, शांतिभद्र, शांतिशीर्ण, योजनगंधा, राजपुत्री के भर्ता संततु और संततु के राजा धृतव्यास पुत्र हुए। तदनंतर धृत धर्मा, धृतोदय, धृत तेज, धृत यश, धृत मान और धृत हुए। धृत के धृतराज नाम का पुत्र हुआ। उसकी अंबिका, अंबालिका और अंबा नाम की तीन स्त्रियां थीं, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। उनमें अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और अंबा से ज्ञानी श्रेष्ठ विदुर, ये तीन पुत्र हुए। भीष्म भी शंतनु ही वंश में उत्पन्न हुए थे। धृतराज के भाई रुक्मण उनके पिता थे और पवित्र पुत्री को धारण करने वाले राजपुत्री गंगा उनकी माता थी। राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे, जो नए पौरुष से युक्त तथा परस्पर एक दूसरे के हित करने में तत्पर थे। राजा पांडु की स्त्री का नाम कुंती था।
जिस समय राजा पांडु ने गंधर्व विवाह कर कुंती से कन्या अवस्था में संभोग किया था उसी समय कर्ण उत्पन्न हुए थे और विवाह करने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये तीन पुत्र हुए थे। इन्हीं पांडु की मादी नाम की दूसरी स्त्री थी, उसे नकुल और सहदेव ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र कुल के तिलक स्वरूप थे और पर्वतों के समान स्थिर थे। युधिष्ठिर को आदि लेकर तीन तथा नकुल और सहदेव ये पांच पांडव कहलाते थे। जब राजा पांडु और रानी माद्री जिन धर्म के प्रसाद से स्वर्गवासी हो गए तब पांडव और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र राज्य विषय को लेकर एक दूसरे के विरोधी हो गए। जब इनका विरोध बढ़ने लगा तो भीष्म, विदुर, द्रोण, मंत्री शकुनी तथा दुर्योधन के मित्र शशरोम आदि ने मध्यस्थ बनकर कौरवों के लिए राज्य के बराबर दो भाग कर दिए। एक भाग युधिष्ठिर आदि पांच पांडवों को मिला और दूसरा भाग दुर्योधन आदि 100 कौरवों को प्राप्त हुआ। इधर दुर्योधन की कर्ण के साथ उत्तम मित्रता हो गई और जरासंध के साथ स्थित बैठकें होने लगी। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे मध्यस्थ भाव से पांडव तथा कौरवों के लिए भार्गवाचार्य का कार्य करते थे, अर्थात दोनों को समान रूप से धनुर्विद्या का उपदेश देते थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, द्रोणाचार्य की शिष्य और आचार्यों की परंपरा तो प्रसिद्ध है, अतः उसे छोड़ के भार्गवाचार्य की वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, उसे सुन। भार्गव का प्रथम शिष्य आत्रेय था। उसका शिष्य कौथुमी पुत्र था। कौथुमी का अमरावत, अमरावत का सिद्ध, सिद्ध का वामदेव, वामदेव का कपिल स्टल का जगत स्थामा, जगत स्थामा का सर्वर, सर्वर का सराशन, सराशन का रावण, रावण का विद्रावण और विद्रावण का पुत्र द्रोणाचार्य था, जो समस्त भार्गव वंशियों के द्वारा वंदित था। सब लोग उसे नमस्कार करते थे। द्रोणाचार्य को अश्विनी नामक स्त्री से अश्वत्थामा नाम का पुत्र हुआ था। यह अश्वत्थामा बड़ा धनुधारी था और युद्धों में एक अर्जुन ही उसका प्रतिस्पर्धी था। अर्जुन ही उसकी बराबरी कर सकता था, अन्य नहीं। तदनंतर अर्जुन के प्रताप और विज्ञान से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन आदि कौरव संधि में दोष लगाने के लिए उत्थित हो गए थे और अर्जुन के लोकोत्तर प्रताप और अनुपम सूझबूझ से ईर्ष्या कर कौरव लोगों ने राज्य के विषय में पहले जो संधि हो चुकी थी उसमें दोष लगाने लगे। वे कहने लगे, कौरवों को आधे राज्य को एक ओर तो सिर्फ पांच पांडव भोगते हैं और एक ओर आधे राज्य को हम 100 भाई भोगते हैं, इससे बढ़कर अन्यायपूर्ण कार्य और क्या होगा। दुर्योधन आदि का यह विचार पांडवों ने भी सुना। पांडवों में युधिष्ठिर शांति प्रिय व्यक्ति थे, अतः उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु शेष चार पांडव प्रसन्न तथा गंभीर होने पर भी उस तरह क्षोभ को प्राप्त हो गए जिस तरह की प्रचंड वायु से चारों दिशाओं के चार समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन रूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए इस शत्रु रूपी पर्वत को बाण रूपी जल की धारा से अभी हाल आच्छादित कर देता हूँ, परंतु युधिष्ठिर रूपी वायु ने उसे शांत कर दिया। भीम रूपी भुजंग यह करके उठ खड़ा हुआ कि मैं 100 के 100 हिस्सेदारों को अपनी दृष्टि से अभी भस्म किए देता हूँ, परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर ने उसे मंत्र के द्वारा शांत कर दिया। नकुल नेवला के समान शत्रु रूपी सर्पों के संतापदायी कुल का अंत करने के लिए उद्यत करने लगा, परंतु अग्रज युधिष्ठिर ने उसे अपने भुज रूपी पिंजरे में कैद कर रोक रखा। और सहदेव रूपी दावानल यह कहता हुआ कि दैदीप्यमान होने लगा कि मैं शत्रु रूपी वन खंड को अभी हाली भस्म कर देता हूँ, परंतु बड़े भाई युधिष्ठिर रूपी मेघ ने उसे शांत कर दिया। तदनंतर सब पांडव शांतचित्त होकर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तब कौरवों ने उनके घर में आग लगवा दी। सहसा उनकी नींद खुल गई और पांचों के पांचों पांच पांडव माता को साथ ले सुरंग से निकलकर निर्भय होकर कहीं चले गए। इस घटना से जनता का दुर्योधन के प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा, सो ठीक ही है, क्योंकि पाप में अनुराग करने वाले रखने वाले किस पुरुष पर सज्जनों को द्वेष नहीं होता, अर्थात सभी पर होता है। तदंतर कुटुंब के लोगों ने समझा कि पांडव तो इसी आग में भस्म हो चुके हैं, इसलिए वह मरणोत्तर काल होने वाली क्रियाओं को कर निश्चिंत होकर रहने लगे। इधर महाबुद्धिमान पांडव गंगा नदी को पार करता वेश बदलकर पूर्व दिशा की ओर गए। माता कुंती धीरे धीरे चल पाती थी, इसलिए वे उसकी चाल के अनुसार इच्छापूर्वक सुख से धीरे धीरे चलते हुए उस कौशिक नाम की नगरी में पहुंचे जहां वर्ण नाम का राजा रहता था। राजा वर्ण की स्थिति का नाम प्रभावती था और उसके लिए कुसुम कोमला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पांडव पर लोगों का अधिक अनुराग था, इसलिए कुसुम कोमला ने भी उनका नाम सुना तथा उन्हें देखा। वह भाग्यशाली सुंदर कन्या रूपी कुमुदिनी ने युधिष्ठिर रूपी चंद्रमा को देखने पर परम विकास को प्राप्त हो गई।
जो युधिष्ठिर की प्रिय स्त्री होने वाली थी, ऐसी कन्या कुसुम कोमला उन्हें देखकर मन में विचार करने लगी, इस जन्म में मेरे यही उत्तम पति हों। कन्या के अभिप्राय को जानकर युधिष्ठिर के भी प्रेम रूपी बंधन समुत्पन्न हो गया और वे इशारे से विवाह की आशा दिखा आगे चले गए। कुसुम कोमला उनके पुनः समागम की प्रतीक्षा करती रही, हुई कन्याजनों के योग्य विनोदों के सारे समय बिताने लगी। तदंतर जो स्वभाव से ही सुंदर आकार के धारक थे, ऐसे पांचों भाई ब्राह्मण वेश रख मनुष्य के चित्र को हरते हुए आगे चले। वे सब महापुण्यशाली जीव थे, इसलिए उस अज्ञातवास के समय भी उन्हें मनोहर आसन, शयन और भोजन सुखपूर्वक अचिंचित रूप से प्राप्त होते रहते। तत्पश्चात वे तापस के वेश में श्लेषात मातंग नामक वन में पहुंचे। वहां तापसों के सुंदर तपोवन में उन्होंने विश्राम किया और तापसों ने उनका अच्छा सत्कार किया। उस आश्रम में वसंतपुर के राजा विन्यसेन की वसंत सुंदरी नाम की पुत्री, जो नर्मदा नामक स्त्री से उत्पन्न हो जाती थी, यह कन्या गुरुजनों ने युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे रखी थी, परंतु जब उनके जल जाने का समाचार सुना, तब वह अपने पूर्वकृत कर्म की निंदा करती हुई उस इच्छा से कि उन प्राणनाथ का दर्शन इस जन्म में ना हो सका तो जन्मांतर में हो, तपस्वियों के उस आश्रम में तप करने लगी थी। वह अतिशय रूप और लावण्य की धारक थी, सुंदर स्वच्छ साड़ी से सुशोभित थी, सिर पर जटाएं रखाई हुई थी और स्निग्ध कांति से सहित थी, इसलिए पायों को धारण करने वाले स्निग्ध छाया से सहित वट वृक्ष की शाखा के समान सुशोभित हो रही थी। वह तापसी कानों तक लंबे नेत्र, सुंदर ओठ, मुख रूप चंद्रमा एवं नितंब स्तनों के भार से सबका मन हरती थी। वह समस्त तापसों के द्वारा पूजित थी, चंद्रमा की कला के समान कृष और निर्मल थी तथा अपने आवाज से उस तपोवन को पवित्र करती थी। मधुर वचन बोलने वाली उस तापसी ने तापसों के योग्य वृत्ति से पांडवों का अति सत्कार किया तथा उनकी भूख प्यास और मां की थकावट को दूर किया। एक दिन कुंती ने बड़े प्रेम से उससे पूछा कि हे कमल के समान कोमलांगी बेटी, तुझे नई अवस्था में ही वैराग्य किस कारण से हो गया जिसने तूने तुझे यह कठिन व्रत धारण कर रखा है? इस प्रकार इसने के साथ पूछने पर मृग नेत्री राजपुत्री मनोहर वाणी ने उनका मन हरती हुई बोली कि हे पूज्य, आपने ठीक ही पूछा है, मेरे वैराग्य कारण सुनिए, क्योंकि सज्जन पुरुष बताते हुए मन के दुख को दूर कर देते हैं। मेरे गर्भजनों ने मुझे स्वभाव से उत्तम चेष्टा के धारक पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे रखा था, परंतु मेरे पाप के प्रभाव से और माता और भाइयों के साथ उनके विषय का जो समाचार लोगों ने सुना, उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता था। मेरे पति दाहक के दुख से मरा, इसलिए मुझे भी उसी मार्ग से मरना युक्त था, परंतु मैं शक्तिहीन होने के कारण उस मार्ग से मर नहीं सकी, इसलिए तपस्या करने लगी हूँ। तापसी के उक्त वचन सुनकर उन्होंने होनहार पुत्र वधू जान सौम्य स्वभाव की धारक कुंती ने कहा कि हे बद्रे, तूने बहुत उत्तम किया जो प्राणों की रक्षा की। मित्रजन के विषय में कुछ अन्य विचार करते हैं और भाग उसे विपरीत कुछ अन्य ही कार्य कर देता है, इसलिए दीर्घदर्शिता की आकांक्षा की जाती है। हे कल्याणी, प्राण कल्याणक के कारण है, इसलिए मेरे कहने से तू तपस्या करती हुई भी इन्हें अवश्य धारण कर, यदि जीवित रहेगी तो कल्याण को अवश्य प्राप्त करेगी। पांडु के प्रथम पुत्र युधिष्ठिर ने भी माता कुंती के वचनों का अनुवाद किया, वही बात कही और अनुव्रतशील तथा गुणवत्तों से युक्त धर्म का उपदेश दिया। उस समय युधिष्ठिर तथा कन्या का मन में प्रीति उत्पन्न करने वाला जो परस्पर वार्तालाप हुआ था, उसने कन्या के मन में यह समझा, अर्थात यह शंका उसके मन में उत्पन्न हुई, क्या ये राजाओं के लक्षण से युक्त वही युधिष्ठिर हैं जो दया से युक्त हो माता के साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे हैं? मेरे पुण्य अथवा गणनीय आदरणीय तप से ही यहाँ प्रकट हुए हैं ये दृढ़ प्रतिज्ञ और उद्यमी प्रिय कुमार यहाँ बिना किसी आघात से चिरकाल तक जीवित रहें। युधिष्ठिर आदि पांडव जब वहां से जाने लगे, तब उस कन्या ने अपशिष्ट जनों का फिर से दर्शन प्राप्त हो यह कर मधुर वार्तालाप से उनका सम्मान किया। वे चले गए और कन्या युधिष्ठिर की प्राप्ति की आशा से उसी तपोवन में रहने लगी। इधर जब राजा समुद्र विजय ने सुना कि दुर्योधन ने हमारी बहन तथा भांजों को महल में जला के मार डाला है, तब वे कुपित कौरवों को मारने के लिए आए। तदनंतर महान आदर से युक्त जरासंध ने स्वयं आकर यादवों और कौरवों के बीच में संधि करा दी। संधि कराकर जरासंध अपनी राजधानी को चला गया। इधर पांडव तापसों का वेश छोड़कर सामान्य ब्राह्मण के वेश में विचरण करने लगे और माता कुंती के साथ चलते चलते सब इहापुर नामक उत्तम नगर में पहुंचे। वहां एक भ्रमर के समान काला भंग राक्षस नाम का महाभयंकर नरभोजी राक्षस मनुष्यों को दुखी कर रहा था, सो भीमसेन ने उसे नष्ट कर वहां के निवासियों का भय दूर किया। जिनका भय नष्ट हो गया था, ऐसे प्रजा के लोगों ने माता सहित पांडवों का खूब सत्कार किया। तदंतर इच्छानुसार चलते हुए वे त्रिशंग नामक महानगर पहुंचे। वहां क्रूर कर्मा मनुष्यों के लिए तीव्र दंड देने वाला प्रचंड वाहन नाम का राजा था। उसकी विमल प्रभा नाम की प्रिय स्त्री थी।
उन दोनों की 10 पुत्रियाँ थीं। वे सबकी सब रूप के अतिशय युक्त, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली और कलाओं में पारंगत थी। उनके नाम थे गुणप्रभा, सुप्रभा, री, श्री, रति, पद्मा, इंदिवरा, विश्वा, आचार्य और अशोका। इनमें गुणप्रभा ज्येष्ठ थी। ये सभी कन्याएं पहले युधिष्ठिर के लिए प्रदान की गई थी, परंतु बाद में उनका अन्यथा समाचार पाकर वे अणुवतों को धारण करने वाली श्राविकाएं बन गई थी। उसी त्रिशंगपुर में एक प्रियमित्र नाम का सेठ रहता था, जो बहुत भारी धन तथा पुरुषों के अंतर को समझने वाला था। पांडवों को विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उसकी सोमिनी नाम की स्थिति और उसके स्वरूप तथा सौंदर्य से नेत्रों को आनंद देने वाली नयन सुंदरी नाम की कन्या हुई थी। यह कन्या वीर युधिष्ठिर के लिए पहले ही दे दी गई थी, इसलिए वह भी पूर्वोक्त राजपुत्रों के समान अणुवत धारण कर रहती थी। राजा प्रचंडवाहन और अपनी स्त्री सहित सेठ प्रियमित्र ब्राह्मण वेशधारी पांडवों को महापुरुष समझते थे, इसलिए ज्येष्ठ पुरुष युधिष्ठिर के लिए वे सब कन्याएं देना चाहते थे। परंतु कन्याओं ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि युधिष्ठिर भले ही परलोक चले गए हों, पर इस भाव में वे ही मेरे पति अन्य नहीं। इसलिए निश्चय से उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी युधिष्ठिर को अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया। तदंतर सुमेरु के समान स्थिर चित्त के धारक वे सब पांडव उस नगर से भी चल दिए और चलते चलते चंपापुरी में पहुंचे, जहां महाराजा कर्ण राज्य करते थे। वहां एक मदोन्मत बड़ा हाथी नगर में उपद्रव मचा रहा था, सो कुशल भीम ने कीड़ा कर उसे मद रहित कर दिया। भीम की यह विचित्रता देख कर्ण को क्षोभ उत्पन्न हुआ। वहां से चलकर वे इंद्रपुर के समान सुंदर वैदिशपुर पहुंचे। उस समय वहां का राजा वृषध्वज था और युवराज द्रोणायुध था। राजा वृषध्वज की रानी नाम का दिशावली थी और उसके दिशनंदन नाम की पुत्री थी। दिशाओं की विशिष्टता के समान दिशानंदन की सुंदरता समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध थी। एक दिन गंभीर स्वर और गंभीर दृष्टि को धारण करने वाले नेत्र प्रिय रूपवान भीम भिक्षा की अभिलाषा से राजमहल में गए। वहां राजा वृषध्वज ने उन्हें देखा। देखते ही उसने समझ लिया कि यह कोई महापुरुष है, इसलिए वह कन्या दिशानंदा को लेकर अपने अंतःपुर के साथ भीम के आगे खड़ा हो गया और इस प्रकार मधुवचन कहने लगा, हे श्रीमन, यह कन्या ही आपके लिए अनुरूप भिक्षा है, इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणी ग्रहण के लिए हाथ पसारिए। भीम ने कहा, आहा, यह भिक्षा तो अपूर्व रही, इस समय ऐसी भिक्षा स्वीकृत करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उक्त उत्तर दे भीम ने अपने आवास स्थान पर आकर युधिष्ठिर आदि के लिए यह समाचार सुनाया। तदंतर ये सब इस नगर में 1.5 माह तक रहे। उसके बाद किरणाओं के प्रदान करने वाले निपुण नर्मदा नदी को पार कर विंध्याचल में प्रविष्ट हुए। विंध्याचल के बीच संध्या के आकार के अंतर्द्वीप था। उसके संध्याकार नामक नगर में हिडिंब वंश में उत्पन्न राजा सिंह घोषित था। उसकी सदर्शना नाम की स्त्री थी और उसके हृदय सुंदरी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकुटाचल का स्वामी मेघवेग उस हृदय सुंदरी को चाहता था और उसके निमित्त से उसने राजा सिंह से याचना भी की थी, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी। हृदय सुंदरी के विषय में निमित्त गानियों ने यह कहा था कि विंध्याचल पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याधरों को जो मारेगा वही हृदय सुंदरी का पति होगा। भीम ने विंध्याचल पर जाकर देखा कि एक विद्याधर वृक्ष की कोटरा में बैठकर गदा को सिद्ध कर रहा था। देखते ही भीम ने वह गदा हाथ में ले ली और उसी के प्रहार से उस वृक्ष को एक साथ गिरा दिया। तदंतर भीम का हृदय सुंदरी के साथ समागम हुआ। हिडिंब वंशी राजा सिंह घोष के साथ पांडवों का यह संबंध महान हर्ष का कारण हुआ। तदंतर महान अभ्युदय को धारण करने वाले पांडव दक्षिण दिशा में नाना देशों में विहार कर हस्तिनापुर जाने के लिए उद्यत हुए। मार्ग के वश चलते चलते वे सब स्वर्ग की प्रतिमा को धारण करने वाली मकंदी नगरी में पहुंचे। उस समय सुंदर शरीर से सुशोभित पांडव देवों के विवरण को धारण कर रहे थे, देवों के समान जान पड़ते थे और वहां का राजा द्रुपद था। उसकी स्त्री का नाम भोगवती था और उन दोनों के दृष्टद्युम्न आदि अनेक पुत्र थे जो एक से बढ़कर एक बलवान थे। राजा द्रुपद की एक द्रौपदी नाम की पुत्री थी, जिसका शरीर रूप लावण्य सौभाग्य था, अनेक कलाओं से अलंकृत था, जो अपने सौंदर्य के विषय में सानी नहीं रखती थी। कामदेव के सब राजपुत्रों को उसके लिए पागल सा बना दिया था, इसलिए वे नाना प्रकार के उपहार हाथ में ले उसकी याचना करते थे। तदंतर किस किस से बुराई की जाए यह विचार दाक्षिण भंग से भयभीत राजा द्रुपद ने कन्या की इच्छा रखने वाले सब राजकुमारों को चंद्रक यंत्र का वेद करने के लिए आमंत्रित किया। इस पृथ्वी पर द्रौपदी रूप ग्रह के वशीभूत हुए कर्ण, दुर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुंड माकंदी नगरी में इकट्ठा हो गया। उसी समय सुरेंद्र वंदन नाम का एक विद्याधर राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने के लिए वहां आया था। उसने राजा द्रुपद की आज्ञा से गांडीव नामक धनुष को वर की परीक्षा का साधन निश्चित किया। उस समय यह घोषणा की गई कि जो अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष को गोल करने एवं राधा वेद चंद्रक वेद में समर्थ होगा वही द्रौपदी का पति होगा। इस घोषणा को सुनकर वहां जो द्रोण आदि तथा कर्ण आदि राजा आए थे
वे सब गोलाकार हो धनुष के चारों ओर खड़े हो गए, परंतु सती के समान देवों से अधिष्ठित उस धनुष यष्टि को देखना भी उनके लिए अशक्य था, फिर छूना और खींचना दूर रहा। तदनंतर जब सब परास्त हो गया, तब द्रौपदी के होनहार पति एवं सदा सरल प्रकृति को धारण करने वाले अर्जुन ने उस धनुष यष्टि को देख कर तथा छूकर ऐसे खींचा कि वह सती स्त्री के समान इससे वशीभूत हो गई। जब अर्जुन ने खींच कर उस पर दौड़ी चलाई तथा उसका आस्फलन किया तो उसके प्रचंड शब्द में कर्ण आदि राजाओं के नेत्र फिर गए तथा कान बहरे हो गए। तीक्ष्ण आकृति के धारक पार्थ को देखकर कर्ण आदि मन के मन में यह तर्क उत्पन्न हुआ कि यह क्या स्वाभाविक ऐश्वर्य को धारण करने वाला अर्जुन अपने भाइयों के साथ मरकर यहाँ पुनः उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सिवाय अन्य सामान धरुधारी के का ऐसा खड़ा होना कहाँ संभव है। आहा, इसकी दृष्टि, इसकी मुट्ठी और इसकी चतुराई सभी आश्चर्यकारी है। उधर राजा लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि इधर अत्यंत चतुर अर्जुन दौड़ी पर बाण रख जब झट से चलते हुए चक्र पर चढ़ गया और राजाओं ने देखते देखते ही शीघ्र ही चंद्रक वेदन नाम का लक्ष्य भेज दिया। उसी समय द्रौपदी ने शीघ्र ही आकर वर की इच्छा से अर्जुन की झुकी हुई सुंदर ग्रीवा में अपने दोनों कर कमलों से मारा डाल दी। उस समय जोरदार वायु चल रही थी, इसलिए वह मारा टूट कर साथ खड़े हुए पांचों पांडवों के शरीर पर जा पड़ी। इसलिए विवेकहीन किसी चपल मनुष्य ने जोर जोर से यह वचन कहना शुरू कर दिया, इसने पांचों वर कुमारों को वरा है। जिस प्रकार किसी सुगंधित ऊंचे एवं फलों से युक्त वृक्ष पर लिपटी फूली लता सुशोभित होती है, उसी प्रकार अर्जुन के समीप खड़ी द्रौपदी सुशोभित हो रही थी। तदनंतर कुशल अर्जुन नुपुरों के निश्चल बंधन से उस द्रौपदी को अनिति के राजाओं के आगे उनके देखते देखते माता कुंती के पास ले चला। युद्ध करने के लिए उत्सुक राजाओं की यद्यपि नीति चतुर राजा द्रुपद ने रोका था, तथापि कितने ही राजा जबरदस्ती अर्जुन के पीछे लग गए, परंतु अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न इन तीनों धनुर्धरों ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। ऐसा रोका कि न आगे न पीछे कहीं एक भी डग रखने के लिए समर्थ नहीं हो सके। तदंतर धृष्टद्युम्न के रथ पर अरुण अर्जुन ने अपने नाम से चिन्हित एवं समस्त संबंधों को सूचित करने वाला बाण द्रोणाचार्य की गोद में फेंका। द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म और विदुर ने जब उसका समस्त संबंधों को सूचित करने वाले बाण को बाँचा तो उन सबको प्राण हर्ष प्रदान किया। पांडवों का समागम होने पर राजा द्रुपद, कुटुंबीजन तथा द्रोणाचार्य आदि को जो महान सुख उत्पन्न हुआ, उससे शंख और बाजों के शब्द होने लगे। परम आनंद को देने वाले भाइयों के समागम पर दुर्योधन आदि ने भी ऊपरी स्नेह दिखाया और पांचों पांडवों का अभिनंदन किया। जिस प्रकार स्नेह तेल से समूह से भरी दीपिका किसी प्राणीग्रहण हाथ में धारण करने से अत्याधिक दैदीपन लगती है, उसी प्रकार स्नेह प्रेम के भार से भरी द्रौपदी पाणिग्रहण विवाह के योग्य से अर्जुन के द्वारा धारण की हुई अत्यधिक दैदीपमान लगी। राजा लोग द्रौपदी और अर्जुन का विवाह देखकर अपने अपने यथास्थान में चला गया और दुर्योधन भी पांडवों के साथ ले हस्तिनापुर पहुंच गया। दुर्योधन आदि सौ भाई और पांडव आधे आधे राज्य का विवाह कर पुनः पूर्व की भांति रहने लगे। उज्ज्वल चरित्र के धारक युधिष्ठिर और भीमसेन ने पहले अज्ञातवास के समय अपने योग्य जिन कन्याओं को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया था उन्हें बुलाकर तथा उनके विवाह कर उन्हें सुखी किया। द्रौपदी अर्जुन की स्थिति, उसमें युधिष्ठिर और भीम की बहू जैसी बुद्धि थी और सहदेव तथा नकुल उसे माता के समान मानते थे। द्रौपदी की भी पांडु के समान युधिष्ठिर और भीम में शुशुर बुद्धि थी और सहदेव तथा नकुल इन दोनों देवरों में अर्जुन के प्रेम के प्रति के अनुरूप उचित बुद्धि थी। गौतम स्वामी कहते हैं, जो अत्यंत शुद्ध आचार के धारक मनुष्यों की निंदा करने में तत्पर रहते हैं, उनके उस निंदा से उत्पन्न हुए पाप का निवारण करने के लिए कौन समर्थ है। दूसरे के विद्यमान दोष का कथन करना भी पाप का कारण है। फिर अविद्यमान दोष का कथन करने की तो बात ही क्या है, वह तो ऐसे पाप का कारण होता है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, अवश्य भुगतना पड़ता है। साधारण से साधारण मनुष्य में प्रीति के कारण यदि सम्मान धनता होती है तो धन के विषय में ही होती है, स्त्रियों में नहीं होती। फिर जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उनकी तो बात ही क्या। महापुरुषों की कोटि में स्थित पांडवों के मिथ्या दोष कथन करने वाले दुष्टों की जीवा के 100 खंड क्यों नहीं हो जाते। पाप का वक्ता होता जो इस लोक में उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता, मानो परलोक में वृद्धि के लिए सुरक्षित रहता है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पाप का फल वक्ता और श्रोता को इस जन्म में नहीं मिलता, उसका फल परभव में अवश्य मिलता है और ब्याज के साथ मिलता है। सद्बुद्धि से पुण्य रूप कथाओं का सुनना वक्ता और श्रोता के लिए जिस प्रकार कल्याण का कारण माना गया, उसी प्रकार पाप रूपी कथाओं को सुनना उनके लिए अकल्याणक का कारण माना गया। इसलिए असत्य रूपी दोष से उद्धत वाणी को छोड़ो और सत्य वचन से उत्पन्न उस निर्मलता का सेवन करो जो अपने यश से विशद है। गुण रूपी मनुष्यों के प्राप्त करने में उद्यत इस लोक में विजय प्राप्त करने वाली है और सर्वज्ञ देव के द्वारा निरूपित है।
इस संसार में विपत्ति और पराभव के समय अच्छी तरह से आचित अपना आचरण ही प्राणियों के लिए शरण है, क्योंकि सदाचार का फल जो नीति और पौरुष है वह शत्रु के उस रोष को परिभूषित कर देता है, दूर कर देता है, जो अग्नि की शिखावली से वर्तमान धर्म रूपी ग्रीष्मकाल को नष्ट करने के लिए वर्षा ऋतु के समान है, दूसरों का निराकरण करने के लिए एक जीवनागम है और नाना प्रकार के लाभों का भंडार है। ऐसे व्रत विधान श्रुत रूपी अंजन की शलाका का प्रयोग करने वाले मनुष्य के द्वारा अवश्य धारण करने योग्य। इस प्रकार अरिष्ट नेमी के संग्रह से जिन सेना से रचित हरिवंश पुराण में कुरुवंश की उत्पत्ति, पांडवों और धृतराष्ट्रों के समागम का अर्जुन के द्रौपदी को लाभ लेने का वर्णन करने वाला 45वां सर्ग समाप्त हुआ।